और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं बीएसपी ने संगठन का पुनर्गठन किया है। सेक्टर व्यवस्था खत्म, मंडलीय व्यवस्था लागू, बीएसपी में फिर मंडल स्तरीय व्यवस्था लागू। प्रत्येक मंडल में प्रभारी होंगे, जिले में 4-4 जिला प्रभारी होंगे, मुस्लिम ब्राह्मण भाईचारा कमेटी भी होगी। तो यूपी में राजनीतिक लिहाज से ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, बीएसपी में किस तरह से मंडल स्तरीय व्यवस्था लागू की गई है इस पर आप जानकारी ले रहे हैं। कन्नौज रेप कांड में आज का बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं, जहां पर पुलिस ने पॉक्सो कोर्ट में 450 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। तो 450 पन्नों की ये चार्जशीट है जो दाखिल कर दी गई है पुलिस की तरफ से। पुलिस ने सपा के नेता रहे पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को रेप का दोषी पाया। भाई नीलू यादव को साक्ष्य छुपाने और पीड़िता की बुआ को अपराध में शामिल होने का भी आरोपी पाया। चार्जशीट के बाद अब पॉक्सो कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू होगी। 450 पन्नों की चार्जशीट में 12 गवाह बनाए गए हैं, वीडियो क्लिप शामिल किए गए हैं, डिग्री कॉलेज की DVR फुटेज शामिल की गई है। साथ ही आरोपी नवाब और पीड़िता के बीच कॉल डिटेल्स का भी जिक्र है। अगस्त 2024 को एक नाबालिग लड़की ने अभियुक्त नवाब सिंह यादव पर दुष्कर्म करने के आरोप लगाए थे, जिसके संबंध में थाना कोतवाली कन्नौज में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूर्ण की गई है, इसमें साइंटिफिक एविडेंसेस पे विशेष जोर दिया गया। इसमें FSL में भी जो फॉरेंसिक एविडेंस प्राप्त हुए थे मौके से, उनको भेजा गया था, जिसमें दुष्कर्म की बात भी प्रमाणित हुई थी। सभी तथ्यों की विवेचनाओं में शामिल करते हुए थाना कन्नौज पुलिस द्वारा चार्जशीट लगाई जा चुकी है और संपूर्ण केस डायरी को शीघ्र ही न्यायालय में दाखिल किया जाएगा। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने अखिलेश यादव पर करारा प्रहार किया है। अखिलेश यादव के मंगेश यादव के एनकाउंटर को फर्जी बताए जाने पर उनका यह वार है, जिसमें SP सिंह बघेल कहते हैं कि अगर अखिलेश यादव को कोई दिक्कत है तो वो कोर्ट की शरण ले सकते हैं। अखिलेश यादव की माफिया की तुलना मठाधीश से करने पर उन्होंने कहा कि जो खुद माफियाओं से घिरा होता है उसे माफिया और मठाधीश में अंतर समझ नहीं आता है। वो झांसी में मऊरानीपुर में चल रहे प्रांतीय मेला जल विहार महोत्सव में शामिल होने आए हुए थे, जहां उन्होंने बड़ी बातें कही। अखिलेश यादव द्वारा मठाधीश और माफिया की तुलना की गई है, क्या कहना है आपका? उनकी तुलना की गई, अखिलेश यादव द्वारा माफिया की तुलना मठाधीश से की गई है। कौन से मठाधीश से? इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई लोग इसका मैं देखा नहीं, 2-3 दिन से टीवी नहीं देख रहा हूँ, लेकिन जो खुद माफिया से घिरे रहते हैं हमेशा पूरे अपने शासन में, उनको हर जगह माफिया नजर आता है। गाजीबाद से खबर, जहां पर ट्रांसजेंडर जोन में मारपीट कर का एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट का ये वीडियो आप देख रहे हैं जो कि गाजियाबाद का है। वीडियो थाना इंदिरापुरम इलाके के अभय अखंड चौकी क्षेत्र के आदित्य मॉल के सामने बने हुए ठेके के बाहर का है। इन युवकों में ठेके के बाहर क्यों मारपीट की जा रही है इसका अभी पता नहीं चल पाया है। जानकारी के मुताबिक वीडियो रात 10 बजे के बाद का बताया जा रहा है, जबकि रात 10 बजे के बाद शराब की दुकानें बंद हो जाती हैं। मारपीट के दौरान मौके पर कई लोग मौजूद थे। बढ़ते आगे, गाजियाबाद के बाद खबर जालौन की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दीवार के मलबे में दबकर एक महिला की मौत हो गई। भारी बारिश के चलते यह हादसा हुआ है। रामपुर थाना क्षेत्र के लिंडाऊ गांव की यह घटना है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। हमीरपुर जिले में बदमाश का एनकाउंटर हुआ है। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक बाइक, मोबाइल, कैश बरामद किया। मुस्करा थाना इलाके में ये घटना हुई है, ये मुठभेड़ हुई है। बदमाश पर 3 दिन पहले बाइक सवार दंपत्ति से लूट का आरोप है।
देवरिया के सुरौली थाना क्षेत्र में 5 साल के बच्चे का अपहरण हो गया। इसको लेकर पीड़ित परिजनों ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। सुरौली पुलिस ने 10 घंटे के अंदर बच्चे को बरामद करके 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इलाके के ही रहने वाले रोशन विश्वकर्मा और गुड्डू पासवान ने बच्चे का अपहरण किया था। बच्चे को बेचने के लिए जा रहे थे, लेकिन क्राइम ब्रांच और सुरौली पुलिस घेराबंदी करके बस स्टेशन से बच्चे को सकुशल बरामद कर लेती है। दोनों ने 50,000 रुपए में बच्चे का सौदा किया था। बिहार के सिवान में बेचने की तैयारी थी। देवरिया जनपद के थाना सुरौली में एक 5 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर लिया गया था। सूचना मिलते ही तत्काल FIR पंजीकृत की गई थी। थाने की टीम और क्राइम ब्रांच दोनों ज्वाइंटली इस पूरे ऑपरेशन को देख रहे थे और 10 घंटे के अंदर ही बच्चे को सकुशल बरामद भी कर लिया गया और 2 अपहरणकर्ताओं को भी पकड़ा गया है, जिसको थाने पर बैठा करके पूछताछ की जा रही है, अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर में डॉक्टर के घर के बाहर खड़े वाहन की हवा निकाल रही पुलिस की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप देख सकते हैं तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे की। पीड़ित ने SP के COG नंबर पर सीसीटीवी फुटेज भेजकर शिकायत की। मामला विदुर कुटी मार्ग स्थित विदुर नगर का है। डॉक्टर ने गाड़ी को घर के बाहर पार्क किया था। SP ने डॉक्टर को जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है।